Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is vein of flow chart of cholinergic agonist. इस वीडियो के अंदर हम cholinergic agonist को कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना है क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर. तो cholinergic agonist, जिनका दूसरा नाम cholinomimetic होता है, अब इनको डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ एक्शन, के क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं. कुछ रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, कुछ इसके एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं. नाइन पे आपको प्लस और नेगेटिव का निशान नजर आ रहा होगा. जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाते हैं तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट, और जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करवाते बल्कि इनका रिसेप्टर एंजाइम होता है तो उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट या एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर. जो इनडायरेक्ट होता है ना, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनका मोड ऑफ एक्शन होगा. फिर बाकी डायरेक्ट को मजीद तीन में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर रिसेप्टर. इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन. कुछ ऐसी होती है जो दोनों को स्टिमुलेट करवाती है, मस्क्रीनिक और निकोटीन दोनों को स्टिमुलेट करवाती है. कुछ स्पेसिफिक होती है मस्क्रीनिक के लिए, कुछ स्पेसिफिक होती है निकोटीनिक के लिए. ओके, तो जो मस्क्रीनिक और निकोटीनिक दोनों को स्टिमुलेट करवाती है उसके अंदर एसिटाइल कोलिन है, मेथाकोलिन है, और यहाँ पे एक और वर्ड भी आना था कार्बाकोल होती है. जबकि जो मस्क्रीनिक को स्टिमुलेट करवाती है, आई थिंक शायद मेथाकोलिन शिप मस्क्रीनिक को एक्टिवेट करवाती है, और यहाँ पर बोथ के अंदर कार्बाकोल आ जाती है. तो आप इसको ठीक कर दीजिएगा. मस्क्रीनिक के केस का, जो मस्क्रीनिक को स्पेसिफिकली स्टिमुलेट करवाती है तो उसके अंदर बिथेनाकोल पाइलोकार्बिन आ जाती है. जो निकोटीनिक को स्टिमुलेट करवाती है तो यहाँ पर मैंने गैंगलियोनिक ब्लॉकर लिख दिया है, लेकिन आपको बताने के लिए कि आपको बताया कि निकोटीनिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, NMNN. जो NM होती है मस्कुलर जंक्शन के ऊपर, जबकि NN गैंग्लिया के ऊपर पड़े हुए होते हैं. तो इसके अंदर निकोटीन, वेनिसिलिन, नियोनिकोटिनोइड्स आते हैं और सक्सिनाइलकोलिन आती है, जो कि निकोटीनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाती है. ठीक है, और जो स्मोकिंग सीजेशन के लिए जो ड्रग यूज होती है वो वेनिसिलिन है और मेकामाइलामीन है. ठीक हो गया. बाकी जो हेक्सामेथोनियम, ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है. ट्राइमेथोफिन भी इसी के लिए इस्तेमाल होती है. और सक्सिनाइलकोलिन किसके लिए इस्तेमाल होती है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था. ठीक हो गया, तो ये तो हो गया डायरेक्ट वाले. इसके बाद बात आती है इनडायरेक्ट की. इनडायरेक्ट के अंदर पहले शॉर्ट एक्टिंग के अंदर एट्रोफोनियम इंटरमीडिएट के अंदर जो आती है, और इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग है, और उसके बाद वेरी लॉन्ग एक्टिंग है. शॉर्ट के अंदर अल्कोहल के अंदर एट्रोफोनियम, जबकि जो इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग है इसके अंदर आती है कार्बामेट्स. कार्बामेट भी आगे चार टाइप की या चार एग्जाम्पल लिखी हुई है. फाइसोस्टेगमिन टर्शियरी माइन है, जबकि पायरिडोस्टेगमिन नियोस्टेगमिन क्वार्टरनरी माइन है. ये इनकी इंपॉर्टेंस है कि ये जो टर्शियरी माइन होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं, वो सीएनएस के अंदर एंटर हो सकती है क्योंकि ये ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाएगी. लेकिन जो क्वार्टरनरी माइन हो गया, इनके पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा नाइट्रोजन के ऊपर, जिसकी वजह से सीएनएस को क्रॉस नहीं कर पाते. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर आपने नोट किया होगा, जिसकी वजह से जो क्वार्टरनरी अमाइन है वो आप माइसिन ग्रेविस के अंदर देती हो. ये माइसिन ग्रेविस है, मेडिकल क्लोप ने लिखा हुआ. ठीक हो गया. वेरी लॉन्ग एक्टिंग के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट आते हैं. ऑर्गेनोफॉस्फेट का प्रोटोटाइप पैराथियन होता है. इसके अलावा मेलाथियन, इकोथायोफेट, सैरिन है और ट्यूबिन है. वैसे टैम्बुल लिखना चाहिए, उसको एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होते हैं. ओके, ठीक हो गया. और एक बात आपको पहले से पता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके एंडोथेलियम के ऊपर कोई पैरासिम्पेथेटिक इनर्वेशन नहीं होती, लेकिन वहाँ पे रिसेप्टर्स तो होते हैं. तो इन रिसेप्टर को बोलते हैं अनइनर्वेटेड रिसेप्टर. इन शॉर्ट कहने का मतलब कि अगर आप इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक दोगे तो वो इन अनइनर्वेटेड रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करवाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम ही नहीं होता. ठीक है, लेकिन जब आप डायरेक्ट एक्टिंग दोगे तो वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा देगी, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, वैसोडायलेशन हो सकती है. ओके, तो ये मैकेनिज्म होता है. आपको पता है कि जो निकोटीनिक रिसेप्टर होते हैं NNNM, दोनों के दोनों आइनोट्रॉपिक होते हैं, सोडियम और पोटेशियम चैनल के साथ कपल्ड होते हैं. जो मस्क्रीनिक होते हैं ये क्या होते हैं, ये मेटाबोट्रॉपिक होते हैं. ये आइनोट्रॉपिक है, मेटाबोट्रॉपिक है. जो M2 और M4 की इनहिबिटरी होती है, बाकी सारे GQ से कपल्ड होते हैं. ठीक है, और GQ वाले IP3 डैग और कैल्शियम वाले मैकेनिज्म के जरिए काम करता होता है. ओके, तो ये हो गया थोड़ी सी क्लासिफिकेशन. अब इनके क्लिनिकल यूजेस को देख लेते हैं. अब इनके क्लिनिकल यूजेस को आप, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसको नोट कर लेना, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा एग्जाम के अंदर. क्लिनिकल यूजेस, मैंने यहाँ पर सारी क्लिनिकल कंडीशंस लिखी हुई है और उसके साथ ड्रग्स लिखी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, माइसिनिया ग्रेविस के अंदर नियोस्टेगमिन, पायरिडोस्टेगमिन, एम्बिनोनियम देते हैं. अगर आपने माइसिनिया क्राइसिस को कोलिनर्जिक क्राइसिस से डिफरेंशिएट करना तो आप एट्रोफोनियम देते हो. अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग खा गया तो उसके लिए एंटीडोट फाइसोस्टिगमिन है. ठीक है, ओके. ब्लेडर के ऊपर M3 और बाउल के ऊपर M1 होती है. ठीक है, वैसे M3 भी हो सकती है कुछ बाउल के ऊपर. तो उनके लिए एसिटाइलकोलिन और बिथेनाकोल, अगर उनकी एटोनी हो जाती है सर्जरी के बाद. स्मोकिंग सीजेशन के लिए वेनिसिलिन है, उसके अलावा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर भी यूज़ करते हैं, मेकामाइलामीन. ठीक है, शोग्रेन सिंड्रोम के अंदर पालोकार्पिन इस्तेमाल करते हैं, जो कि मस्क्रीनिक है. मसल रिलैक्सेशन के तौर पर आप सक्सिनाइलकोलिन को यूज़ करते हो. इंसेक्टिसाइड के तौर पर पैराथियोल. अगर इंसेक्टिसाइड के साथ स्कैबिसाइड वगलाइजेशन भी चाहिए तो आप मेलाथियोन यूज़ करते हो. वार गैसेस और टेररिस्ट अटैक के दौरान सैरिन और टैबुन यूज़ किया जाता है. पाइलोकार्पिन, सॉरी, ग्लूकोमा, स्पेसिफिकली ओपन एंगल ग्लूकोमा, इनके लिए इस्तेमाल होती है. पीपी, इसका क्या मतलब है, पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टिगमिन. ठीक है, ओके.
इसके बाद मशरूम की न्यूट्रिशन के तौर पर मस्क्रीन यूज़ होता है। अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर रिवास्टिग्बिन है, जेलेंटामीन है, डोन पेजिल है और टैक्रीन होती है, ये अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। लेकिन आपने रिवास्टिग्बिन को कभी नहीं भूलना, ठीक हो गया। तो जल्दी जल्दी हमने इस वीडियो के अंदर हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।